हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माईसेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन क्या गिवन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कि हमें जो क्वेश्चन 1 के अंदर चार पार्ट दिए थे, 3 हम सॉल्व कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में, है ना। तो पहले सॉल्व किए थे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, और इस वीडियो में सॉल्व करना है उसको अपने जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फिर कहीं द्विघाती सूत्र से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, तो स्टार्ट करने से पहले है ना, हमें इन क्वेश्चन का चेक करना है कि क्या ये अपने एग्जिस्ट करती है, क्या इनका कोई अस्तित्व है या नहीं है। उसको चेक करते हैं अपने बी स्क्वेयर माइनस के फोर ए सी फॉर्मूले से। उससे पहले बी ए सी है क्या, तो यहाँ से देखिए ए दोस्तों अपना 2 आ गया, बी की वैल्यू यहाँ से 1 और सी की वैल्यू 4। क्यों? क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया है अपनी जो बेसिक फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या फिर कहें द्विघात समीकरण की, ये होती है। इससे कंपेयर किया तो ए यहाँ से 2 आ रहा है, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है और सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों वैल्यू अपनी पॉजिटिव है या फिर कहें 0 आती है तो वो अपना एग्जिस्ट करेगा, अगर इनके अलावा वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो अपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बी का स्क्वेयर, बी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वेयर माइनस के 4, और ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है अपनी 2 और सी की वैल्यू भी है 4, तो 1 का स्क्वेयर दोस्तों 1 हो जाएगा, है ना। 1 का स्क्वेयर 1 माइनस के 4 टू जा 8 एंड 8 4 जा 32। अब प्लस माइनस दोस्तों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, तो 32 माइनस 1 कितना बचा अपने पास 31 है, लेकिन साइन किस चीज़ का आता है अपना, बड़ी रकम का, और बड़ी किस चीज़ की है, माइनस की है। वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, और नेगेटिव आने पर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी इसके अपने जो है रियल रूट्स नहीं आएंगे, वास्तविक मूल नहीं आएंगे, इसलिए हम इसको अब सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या लिख देंगे कि दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस समीकरण का कोई मूल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों यही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना था, बताना था। अगर ये एग्जिस्ट करती तो हम इसके आगे अपना जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका यूज करके सॉल्व कर लेते, है ना दोस्तों। क्वेश्चन में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।